अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो खैर आफियत से होंगे और अपने काम में बिल्कुल सिंसियर होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगा रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारी जो ये वीडियो है वो बेटा किसी लेक्चर पर नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर आज बात करेंगे। बस एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने ये बात करनी है लेक्चर स्केड्यूल की। तो ये वीडियो सिर्फ, ये ऐसा नहीं है कि मैट्रिक और सिर्फ एफएससी या मैट्रिक के लिए या एफएससी के लिए, बल्कि ये मैट्रिक और एफएससी दोनों के बच्चों, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी के लिए है ये। तो इसमें आज हमने सिर्फ ये बात करनी है कि हम किस दिन जो है वो कौन सा लेक्चर देंगे। पिछले कुछ दिनों में मसरूफियत मेरी कुछ ऐसी रही कि मैं जो लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं कर पाया कल और परसों। तो इस वजह से हम एक स्केड्यूल यहाँ पर बना रहे हैं। अब उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपके लेक्चर आया करेंगे और उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम अपने सिलेबस को लेकर आगे चलेंगे। तो अब कुछ मैंने आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ बच्चों की फिजिक्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, कुछ बच्चों के डिमांड पे ऑन डिमांड लेक्चर्स की वो बात कर रहे थे, तो इंशाल्लाह वो भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। तो पहले हम जरा पीछे, आज हमने कोई लेक्चर तो नहीं पढ़ना, लेकिन एक छोटी सी वीडियो सिर्फ मैं आपको लेक्चर स्केड्यूल समझाने के लिए जो है वो यहाँ पर बना रहा हूँ, उसको जरा हम देख लेते हैं। बेटा, ये आपके सामने एक लेक्चर स्केड्यूल है। अब यहां से जो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये तीन ऐसे डेज हैं जिनमें मैंने 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के लेक्चर, फिर वेंसडे को 9th क्लास और फर्स्ट ईयर का लेक्चर, फिर आपका फ्राइडे को 9th क्लास और फर्स्ट ईयर का लेक्चर हुआ करेगा। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो ये तीन हमारे क्या कौन सी होंगे? ट्यूसडे को 10th क्लास सेकेंड ईयर, फिर थर्सडे को 10th क्लास और सेकेंड ईयर, और फिर सैटरडे को 10th क्लास और सेकेंड ईयर का लेक्चर। तो ये एक छोटा सा स्केड्यूल आपके पास आ गया। अब इसमें आपको ऊपर एक संडे लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ। तो संडे में बेटा मैं ये सोच रहा था कि जो बच्चे फिजिक्स का लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो उनको वीकली जो है वो एक लेक्चर दे दिया जाए। अब बेटा एक चीज याद रखनी है आपने कि फिजिक्स का जो लेक्चर है वो मैं थोड़ा सा लंबा बनाया करूंगा। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज के रोज जो है वो फिजिक्स के लेक्चर भी दे सकूं, और इस वजह से मैं आप लोगों की डिमांड पे ये जो फिजिक्स के लेक्चर है वो सिर्फ वीकली दिया करूंगा। इसलिए थोड़ा सा लंबा लेक्चर हुआ करेगा, 10th क्लास की फिजिक्स का भी और 9th क्लास की फिजिक्स का भी, ठीक है बच्चों? तो लेकिन जो रहेगी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में बेटा याद रखिएगा वो मैं अभी शुरू नहीं कर रहा, वो मैं शुरू जरूर करूंगा लेकिन अभी नहीं, इतना टाइम नहीं है कि फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को भी साथ ले लिया जाए। तो इस वजह से एक चीज याद रखनी है कि हमारे जो फिजिक्स फिजिक्स का लेक्चर आपकी बेटा 9th क्लास का, और उसके साथ साथ फिर से फिजिक्स का लेक्चर 10th क्लास का। तो फिजिक्स का लेक्चर 10th क्लास का, तो बेटा याद रखना है, मैं फिर से आपको बार बार बता रहा हूं कि जो फिजिक्स का लेक्चर है वो थोड़ा सा लेंथी हुआ करेगा, क्योंकि हमने वीकली जो है वो फिजिक्स का लेक्चर देना करना है। तो इस वजह से ये सिर्फ आप लोगों की डिमांड में बनना, अभी मेरे फिजिक्स का लेक्चर करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन सिर्फ आप लोगों की डिमांड में मैं फिजिक्स का लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, और वो भी हफ्ते में एक दफा। तो मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो फिजिक्स का लेक्चर है आपका वो थोड़ा सा लेंथी हुआ करेगा, क्योंकि हमने वीक में एक दफा ही करना है उसे, ठीक है? तो ये आपका लेक्चर स्केड्यूल है, इसको एक दफा देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि इसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम किया करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह कल से, अब कल कौन सा दिन है? कल बेटा आप ट्यूसडे है, तो इट मीन्स कि हम कल जो है 10th क्लास और सेकेंड ईयर का लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। तो कोशिश यही हुआ करेगी कि एक लेक्चर सुबह और एक लेक्चर शाम को अपलोड कर दिया जाए, वरना किसी और टाइम पे भी हो सकता है, यानी कि पूरे दिन में किसी भी टाइम आपको वो लेक्चर जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो बेटा मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।